गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नरेंद्र कौर फ्रॉम यूपीएस करालगुंड। फ्रॉम लास्ट टू थ्री डेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पोएम बेंगल सेलर रिटन बाय सरोजनी नायडू, ए प्रोमिनेंट पोइट। तो इस पोएम में उस पोइट ने, मैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मैंने आपको इसका सेंट्रल आइडिया भी बता दिया, समरी भी बताई, तो आज मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको इसको रिकैप्चुलेट कराऊंगी कि ये पोएम किसके बारे में है और क्या है। इस पोएम में चूंकि जो ये है डिफरेंट स्टेज ऑफ वुमेन और डिफरेंट स्टेज ऑफ वेयरिंग दैट बैंगल्स का बताया हुआ है कि किस स्टेज के लिए कौन सी बैंगल्स बनी है, और जो बैंगल्स जो हैं व्हाट डज दे सिंबलाइज, वो हमें क्या बताती हैं, क्या दर्शाती हैं वो बैंगल्स, वो मैंने आपको अच्छे से बताया भाई। जैसे ग्रीन कलर की है वो किसके लिए है, या रेड कलर की है वो किसके लिए, या गोल्डन कलर की है किसके लिए, या ब्लू कलर की है वो किस एज की औरत के ग्रुप के लिए है। तो इन शॉर्ट की इस पोएम में जो है होली एंड सोली इट रिवॉल्व्स अराउंड द बैंगल्स। तो अब बैंगल्स सेलर में ये जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है इसका, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, इस पोएम में स्पीकर कौन है, तो कौन है बेटा जरा बताएं। वेरी गुड, बैंगल सेलर इज द स्पीकर इन द पोएम। क्या है पहले क्वेश्चन का आंसर, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बैंगल सेलर इज द स्पीकर इन द पोएम, यह है पहले क्वेश्चन का आंसर। देन अगला क्वेश्चन क्या है हमें बेटा, हाउ आर द बैंगल्स डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम एंड हु आर दीज बैंगल्स फॉर। ये बोलते हैं पहले स्टैंजा में बैंगल्स को किस तौर पे डिस्क्राइब किया गया है और ये बैंगल्स किन के लिए हैं। द बैंगल्स आर डिस्क्राइब्ड हियर आर डेलिकेट एंड ब्राइट। क्या बैंगल्स डिस्क्राइब्ड हियर आर डेलिकेट एंड ब्राइट, ठीक है बेटा। आगे पूछता है ये, Who are these bangles for? They look like rainbow tinted circle of light. Full stop. The bangles are for daughters and wives. किनके लिए हैं bangles? अगर आप ये यहाँ से extend ज़्यादा नहीं भी करोगे, आप इतना ही लिखोगे, The bangles here are described as delicate and bright, they look like rainbow tinted circles of light. यहाँ तक, then the bangles are for the daughters and wives. अगर आप ये बीच वाला स्टैंजा नहीं भी लिखोगे तो no need. तो इतना भी आप लिखोगे, the bangles described here are delicate and bright, the bangles are for daughters and wives. ठीक है बेटा, then question number third. The poet uses different smiles for the bangles. What are these? कौन कौन से smiles? The smile used in the poem are silver and blue as a mountain mist, flushed like the birds that dream field of sunlit corn. Like the flame of her marriage fire. आपको पता है ये flame of marriage fire क्या होता है बेटा? हिंदुओं में ना वो आग के आसपास फेरे लेते हैं, वही बोलते हैं flame of her marriage fire. Like her bridal laughter. Bridal होता है दुल्हन की हंसी या दुल्हन के आंसू, bridal tear. Again I am repeating this question. The simile used in the poem are silver and blue. As a mountain mist, comma, flushed like the birds that dreams in the field of sunlit corn, like the flame of her marriage fire, like her bridal laughter and bridal tear. ठीक है बेटा, लिखे आपने ये तीनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर, Name the different colors mentioned in the poem. What are these colors represent? What do these colors represent?
कहते हैं डिफरेंट कलर्स जो पोइम में हैं वो कौन कौन से हैं और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं. द डिफरेंट कलर्स मेंशनड इन द पोइम आर, कौन कौन सा कलर है बेटा? सिल्वर, ब्लू, पर्पल, गोल्डन एंड रेनबो टिंटेड. एंड रेनबो टिंटेड, ठीक है बेटा. अब ये हो गया इतने क्वेश्चन का आंसर. द डिफरेंट, व्हाट नेम द डिफरेंट कलर मेंशनड इन द पोइम. द डिफरेंट कलर्स मेंशनड इन द पोइम आर सिल्वर, ब्लू, पर्पल, गोल्डन एंड रेनबो टिंटेड. देन व्हाट डू दीज कलर रिप्रेजेंट. दीज कलर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेज इन द लाइफ ऑफ वुमेन. डिफरेंट स्टेज इन द लाइफ ऑफ वुमेन. ओके बेटा, थैंक यू.